गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर की क्लास में जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे विंडो अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ 10, उसी को थोड़ा सा दोबारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और थोड़ा सा उसी को रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए विंडोज़ 10, ठीक, विंडोज़ 10। हम मैंने आपको पहले बताया था विंडोज़ 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम कंप्यूटर पर जिस भी मीडियम पे हम वर्क करते हैं वही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या हम कहें कि बहुत एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, ठीक, जिसके लिए हम जिसमें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या और सॉफ्टवेयर हम उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे हम सिस्टम पे अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक। आज मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक। ये सब हम उस दिन पढ़ चुके थे, इसी को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखो, यूजिंग डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को हम किस तरह यूजिंग करते हैं, उस दिन यूज़ करते हैं, उस दिन मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, अपने सिस्टम पर किस यूज़ करके दिखाया था। आज मैं बता रही हूँ, ये होती है लॉग इन स्क्रीन। विंडोज़ 10 को, विंडोज़ 10 किसी भी सिस्टम में आपने डाली हुई है और उसको जब भी हम स्टार्ट करेंगे या लॉग इन करेंगे जब भी हम, तो सिस्टम पे सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, ठीक, ये स्क्रीन आएगी, लॉग इन स्क्रीन, इसको बोलते हैं लॉग इन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पासवर्ड पूछेगा। विंडोज़ 10 में एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि बिना पासवर्ड के ये विंडो खुल ही नहीं सकती, मतलब पासवर्ड तो कंपलसरी है इसमें, ठीक। तो हमने इसमें पासवर्ड सेट करा हुआ है, जो भी करा होगा वो हमने लॉग इन स्क्रीन के बाद आता है ये पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करने के बाद जब हमारा ये डेस्कटॉप कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये डेस्कटॉप में ये देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेस्कटॉप पे सबसे पहले आपको ये कुछ कोई भी वॉलपेपर आपको दिख सकता है, पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई इमेज जो भी आपने सेट करी होगी अपने सिस्टम पर, कोई कलर अगर किया है या कोई और अच्छी थीम आपने की हुई है तो वो यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, जो भी ये शॉर्टकट्स दिखेंगे, ये शॉर्टकट कहते हैं बेटा, तो जो भी हमने शॉर्टकट ले रखे होंगे डेस्कटॉप पे, जो भी चीज़ें सेव कर रखी होंगी, वो सारे फोल्डर्स या वो सारे फाइल्स वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, ऑलराइट। उसके बाद ये होता है स्टार्ट मेन्यू, ये देखिए ये जो बटन है ये है स्टार्ट मेन्यू का बटन, ठीक। जब भी हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे तो हम विंडोज़ 10 में यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद उसके स्टार्ट मेन्यू के जस्ट बराबर में ये जो एक आपको टैब टाइप टैब दिख रहा है, ये है सर्च बॉक्स, जिसको हम कोर्टोना कहते हैं, ठीक है, सर्च बॉक्स जिसको हम कोर्टोना कहते हैं, ये देखिए, ये देख लो। उसके बाद है ये टास्क बार, ये जो पतली सी लाइन जो आपको नीचे दिख रही है हमारे डेस्कटॉप पे, ये इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में जो भी एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे पिन किए होंगे कि टास्क बार में ही रहे, वो यहाँ पर दिखेंगे हमको, वो ये एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे दिखेगी, जो भी एप्लीकेशंस हम रिसेंटली यूज़ कर रहे होंगे, जो भी जिस भी एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे होंगे ना, वो एप्लीकेशंस भी हमें यहाँ पे दिखेंगे कि हमने कितनी स्लाइड्स खोली हुई हैं, कितनी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे खोली हुए हैं। उसके बराबर में आपको एक ये दिख रहा है, ये है टास्क व्यू का बटन, ये है टास्क व्यू का बटन, वो हम आगे बताऊँगी मैं आपको। उसके बाद ये है यहाँ सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे, ठीक, ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक। और एक चीज़ और दिख रही है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पतली सी लाइन दिख रही है छोटी सी, ये है पीक, ये है पीक, पीक बटन, जिससे जिसको हम प्रेस करते ही डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, ठीक। ओके, तो हम आगे चल रहे हैं, ये है स्टार्ट मेन्यू, आपको डेस्कटॉप समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में क्या है, स्टार्ट मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देख लीजिए आप लोग, जब भी हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस तरह से मतलब है कि यहाँ सबसे ऊपर जो है सिस्टम में जिसका भी नेम फीड होगा, हमारा नाम वो आएगा, हमने जो भी फ़ोटो इसमें
अपलोड की होगी वो हमें फ़ोटो दिखाई देगी। यहाँ पे ये देख लें आप, ये छोटे छोटे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ टाइल्स टाइल्स हैं, इनको हम टाइल्स बोलते हैं। ये कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो टाइल्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक। बाकी टास्क बार सेम ही है। ये देखो, ये ऊपर जो मैंने स्टार्ट मेन्यू में आपको बताया अभी, कि ये सबसे ऊपर आपका नाम और आपकी फ़ोटो दिखाई देगी यहाँ पर। यहाँ इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो साइन आउट कर सकते हैं, और मतलब कि हम एक सिस्टम में कई सारे अकाउंट्स बना सकते हैं और अलग अलग अकाउंट पे वर्क कर सकते हैं। चेंज अकाउंट सेटिंग, सेटिंग में कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, लॉक करना है तो कर सकते हैं, साइन आउट करना है। और हमें अभी देखो रॉबिन पोस्टर या रॉबिन पोस्टर हैं ये, इनका ये अकाउंट जो है साइन इन है। उसके बाद हमें लॉग आउट करके ये वाला लॉग इन करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर वो पासवर्ड मांगेगा, फिर वापस से सारी चीज़ें उसी तरह से होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ पूरा ये व्यू है स्टार्ट मेन्यू का। ये कुछ ऐप्स आप देख रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ टाइल्स के व्यू में आ रही हैं, और जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे इस तरह लिस्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक सबसे नीचे स्टार्ट मेन्यू में सबसे नीचे एक पावर बटन होता है, ये इस तरह का पावर बटन। जब हम इस पावर बटन पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा मेन्यू लिस्ट ओपन होती है, जिसमें स्लीप थ्री ऑप्शंस होते हैं, शट डाउन और रीस्टार्ट, जिसमें थ्री ऑप्शंस होते हैं, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमें अपने सिस्टम को बंद नहीं करना, आई मीन शट डाउन नहीं करना, हमें इस ऐसे ही स्लीप में डालना है। स्लीप में डालने का मतलब है कि जो भी एप्लीकेशंस हम रन कर रहे हैं, जो जितने भी एप्लीकेशंस रनिंग में हैं वो बंद ना हो, उन्हें क्लोज ना करना पड़े, और हम सिस्टम को स्लीप में डाल दें। सिस्टम हमें ऑन नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे जो एप्लीकेशंस होंगे वो सारे रनिंग में होंगे। रीस्टार्ट में बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होना, और शट डाउन बिल्कुल ही बंद हो जाना, ठीक। ये तीन ऑप्शंस होते हैं पावर में। जब भी हमको अपना सिस्टम शट डाउन करना होता है तो हम यही पावर पर जाकर शट डाउन करते हैं। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा टास्क बार, टास्क बार मैंने अभी आपको बताया, ये स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे ये कोर्टोना होता है, कोर्टोना आप सर्च, ये देख रहे हैं आप, कोर्टोना में माइक का ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो विंडोज़ 10 है ये हमारी वॉइस भी रिकग्नाइज करती है, ठीक। या फिर हम जो भी बोलेंगे वो भी, सपोज़ करो हमने कोर्टोना में कुछ सर्च करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस माइक वाले बटन पे क्लिक किया, और जब जो भी हमें सर्च करना है वो हमने स्पीच बोल दे दिया, यानी कि हमने कुछ बोल दिया तो वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा और वो चीज़ सर्च होकर हमें मिल जाएगी। तो इसको यहाँ पे जो ये सर्च बार है या ये सर्च टैब, क्या बोलते हैं इसको, टैब है, इसको टेक्स्ट बॉक्स है, सर्च का जो टेक्स्ट बॉक्स है या रन का जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम विंडोज़ 10 में कोर्टोना कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये है पिंड प्रोग्राम्स। पिंड मतलब जब हम राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पे, तब वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप क्या वो करना चाहते हैं। देखो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये है टास्क बार। मैंने यहाँ पर ये कुछ पिन करे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये नीचे टास्क बार में देख रहे हैं आप लोग, कुछ मैंने एप्लीकेशंस हैं जो पिन किए हुए हैं, जैसे कि हम इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे लॉक, ये कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए हमारे, शो पीपल ऑन द टास्क बार, शो विंडोज़ इन वर्क स्पेस बटन, शो टच कीबोर्ड बटन, ये टूल बार्स हैं, हमें क्या क्या यहाँ पे टूल्स होने चाहिए टास्क बार में, लॉक द टास्क बार को हम लॉक भी कर सकते हैं। जो भी रनिंग में होंगे एप्लीकेशंस वो यहाँ कुछ पर्पल, जैसे ये देखिए ये सारे रनिंग में हैं इस टाइम मेरे पास, ठीक है, और ये रनिंग में नहीं है तो ये सिर्फ बता रहा है कि ये वाले ऐप हैं, ठीक है। हम वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं, तो हमने ये कुछ टाइल्स जो पिन किए हुए हैं, पिन प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद ये है नोटिफिकेशन एरिया, ये है सारे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे, जितने भी सिस्टम, यानी कि सिस्टम ट्रे भी हमने बताया है, मैंने बताया है यहाँ पे सिस्टम ट्रे, ये रहा। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक ट्रे टाइप की ओपन होकर आएगी, और
ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रहा, ये जब हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो एक ट्रे जैसी खुल गई, और जितने भी रनिंग में मतलब कुछ कुछ ऐप हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ टास्क बार में ना दिखाई दे करके सिस्टम ट्रे पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है साइड में नोटिफिकेशन एरिया, और उसके बाद आता है ये डेट एंड टाइम शो करेगा, और ये है, ये यहाँ पे जितने भी विंडोज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं छोटी सी एक पतली सी लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रही थी, ये है पीक, इसको कहते हैं पीक, PEEK, पीक इसको कहते हैं पीक। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, ये देखो डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे सिस्टम का टास्क बार, ये आप यहाँ देख रहे हैं पीक, बहुत पतली सी लाइन है, दिख रहे हैं। अगर मैं इस पीक पे क्लिक कर दूँ तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अभी इसमें स्लाइड ऑन है इसलिए शो नहीं हो रहा है, समझ आ गया, आप लोग ट्राई करिएगा। उसके बाद टास्क बार सेटिंग्स होती हैं, वो मैंने आपको दिखा दी। जब हम टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें सारे भी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, और टास्क बार सेटिंग जो है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो आइकन्स हमारे सिस्टम में जो सबसे पहले जब हमारा डेस्कटॉप ओपन हुआ था तो मैंने कहा था ये शॉर्टकट्स हैं। ये देखो ये वाला जो सिंबल है ना, ये शॉर्टकट का सिंबल है। ये देखो एरो वाला ये जो सिंबल है, ये शॉर्टकट का सिंबल है, ठीक है। ये देखो ये सब क्या है, शॉर्टकट के सिंबल्स हैं, ठीक। और ये जो हैं, ये हैं आइकन्स, ये जो डिज़ाइनिंग जैसे डिज़ाइन में या ये इमेजेस में ये बनी हुई हैं, ये सब क्या हैं, आइकन्स। क्लियर हुआ आइकन्स क्या होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब आप लोग अच्छे से समझिएगा दोबारा, अगर जिसके पास सिस्टम है घर पे वो ट्राई करके देखिएगा, अदरवाइज़ जब स्कूल ओपन होंगे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। ऑल राइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।